सुबह 11 बजे। अबे कौन है सुबह सुबह 5 बजे प्रदान कर रहा है यार? टू लेट, मैं देख के आता हूँ। मैं कुंडी कहाँ गया? माँ का खोल नहीं रहे? अबे तुम्हारी माँ का सालो, इतनी देर तक सो रहे हुए? अबे भाईजान, तुम सुबह सुबह 5 बजे? 5 बजे सबसे 11 बज रहे हैं दिन के। मुझे लग रहा है बिग बॉस के अंदर भी भांग का गोला बिकने लगा, जो साले तुम खाके पड़ोगे। किन्ने कहा भांग का गोला दिया इनको, बताओ मुझे। अरे भाईजान, वो रात को दूध पिया था, वो भी हरारा लग भी जाता, वो शायद भांग का गोला ही था। अरे भाईजान आज क्या थे? आज क्या, तेरा बाप आ रहा है हरिद्वार को वहाँ पे बाहर बोलने के लिए। अरे मेरा मतलब अंदर कैसे? अंदर वो इसलिए सालो, तुम्हें ये नहीं पता मैं आज कैसे आऊंगा अंदर? तुम्हें लगता है सालो पता नहीं है आज क्या है? आज है ग्रैंड फिनाले, आज तुम दो चीताओं में से एक चीता को मिलेगी ट्रॉफी। यस, ये भी मिल सकती है तुम्हें नीचे वाली, ज्यादा यस मत करो, समझे? भाईजान ये नहीं चाहिए। और बिग बॉस में जो इंसान एंड तक टिका है ना, उसको ट्रॉफी भी बहुत तगड़ी वाली मिली है, तो इसलिए बैठ जाओ और तुमसे पूछूंगा कि तुमने कैसा तुम्हारा स्ट्रगल रहा यहाँ तक का। ठीक है भाईजान, ठीक है भाईजान, चलो बैठ जाओ, बैठ के बात करो। अरे तो मुनावर, मैंने तेरे बारे में बहुत चर्चा सुनी है, बहुत अच्छी अच्छी शायरियाँ गाता है रे तू। हाँ भाई जान। क्या कह रहा है, एक बारी में बोल दे। हाँ भाई जान। तो चल मुझे बता तेरा यहाँ तक का स्ट्रगल कैसा रहा है, मैं तेरा थोड़े बारे में जानना चाहता हूँ। एक मिनट भाई जान। लाला मुनावर, बिग बॉस की जगह तू इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है तेरी टोपी देख के। अरे नहीं भाई जान, ये तो मेरी फेवरेट है। तो भाईजान, बिग बॉस के घर के अंदर मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत हार्ड वर्कआउट करा है, तब जाके आज मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंच पाया हूं, और आज आपके सामने मुझे ग्रैंड फिनाले में बैठ के बोलने का मौका मिला। अबे साले कितना झूठा है रे तू मुनावर, तेरी शक्ल देख के मुझे लगा तू बहुत सीधा होगा, तू तो बहुत आरामी है। हार्ड वर्कआउट को तो ऐसे बोल रहा जैसे कि तो सबने यहाँ पे हल जुतवाए हैं, खेती कराई है। साले गाल पे दूंगा गुज्जागा ट्रॉफी के अंदर। ए भाईजान कैसी बातें कर रहे हो, मैंने बता तो दिया तुम्हें अपना हार्ड वर्कआउट, मैं नहीं बता रहा, जाओ अब। अभिषेक बेटा तुम्हें क्या हो गया, तुमको देखा तो मैंने टट्टा कट्टा था, 8 एप्स देखे थे तुम्हारे, तुम इतने पतले कैसे होते जा रहे हो यार? अरे भाईजान मुझे बहुत टेंस था ना। अभिषेक तू भी साले मुनावर के तना बहुत झूठा है, सच्चाई नहीं बता रहा है कि तू बिग बॉस के घर के अंदर 61-62 लगा रहा है, तभी तू साले पतला होता जा रहा है। अभी साले अगर कैमरे चेक कराए ना तो हर जगह तेरा सैंपल सैंपल मिलेगा सनसिल्क का, कराऊंगा भी कैमरे चेक। अरे भाईजान भाईजान ऐसा मत करो, कैमरे वैमरे चेक मत करो, वो मुझे ना खाना पीना नहीं मिल रहा है बिग बॉस के घर में, बड़ा परेशान हूँ मैं। अबे साले अभिषेक तू कितना झूठा है वे, तेरा बिल चेक कराया है अभी मैंने, 4 आदमियों का खाना तू अकेले खा गया है, और बोल रहा है मुझे खाने की टेंशन है। अगर तू गलती से भी जीता तो तेरे जो 25 लाख रुपए आएंगे जीत के, उसमें से 10 लाख रुपए रखेंगे हम बिग बॉस वाले। अबे साले बिल भी चुकाना है, बिग बॉस कर्जे में आ गया, तेरा खाना दे देंगे तुझे। साले ने पूरा जान बनने और कह रहा टेंशन है मुझे खाने की। अगर भाई जान मैं जानबूझ के हार गया फिर? अगर अभिषेक तू हार गया ना तो सीजन 18 तक तुझसे झाड़ू पोछा करवाऊंगा, सारे पैसे वसूल करे बगैर नहीं जान दूंगा तुझे, समझा? नहीं नहीं भाईजान, मैं झाड़ू पोछा नहीं करूंगा क्योंकि मेरी कमर दुख जाती है। मैं तुम्हारी बात पर इतना मानता हूँ कि मैं खुद्डी साफ कर लूंगा, तुम्हारी बात नहीं कटेगी। चल ठीक है, यही साफ कर दियो तू यार। भाईजान एक बात बताओ। हाँ बोल। अरे वो आदत हो गई है ना यार अपने को, जरा स्टाइल में रहने का है, थोड़ा बॉडी वोट के सुने ना। बेटा मुनावर ध्यान से सुनो, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। सही कहा ना मैंने मुनावर? यस यस आंखों में समुंदर दिल में आग रख दूंगा।
तुम तूफान लेके आना, मैं चिराग रख दूंगा, मैं यहीं जमीन पे बैठे बैठे आसमान लिख दूंगा। क्या कह रहा है? आसमान लिख दूंगा? लिख बेटा, जल्दी लिख मुनावर, जल्दी लिख, मजाक नहीं कर रहा, जल्दी लिख। पे लिख, तेरी माँ का दिख रहा है नहीं? लिख जल्दी, जल्दी आसमान लिख तू। इंजीनियर तो आसमान लिख नहीं पा रहे, तू साले बारहवीं फेल, सस्ते शायर तू लिखेगा आसमान? नहीं तो बिग बॉस में क्या आ गया, अपने आप को कलेक्टर समझ रहा है? वैसे भाईजान, मेरा एक तुमसे पर्सनली क्वेश्चन है, तू तुमने शादी क्यों नहीं करी? देखो भाई अभिषेक, शादी भी जब ही करी जाती है जब इंसान को मजे लेने हैं। अब बिना शादी करे मजे ही मिलने हैं तो क्या करेंगे शादी करके, बता, काम चलने हैं अपने। अरे अभिषेक, एक क्वेश्चन था मेरा तुमसे यार, जरा मुझे ये बताओ यार, इस चश्मे से ना यार मेरा जी भर गया यार, कोई यार यूनिक डिजाइन हो, मतलब मजा नहीं आता कुछ, इस डिजाइन का चश्मा मिल जाएगा क्या? इस डिजाइन का हो यार थोड़ा यार, मतलब मजा आ जाए पहनने के बाद भी। सभी कंटेस्टेंट्स ध्यान से सुने मेरी बात को। मैं सालो ध्यान से सुन लो, क्या कह रहा हो कंटेस्टेंट्स? हेलो, ध्यान से सुन। हाँ संजू भाई, ध्यान से सुन लो यार। मैं साले, तू कंटेस्टेंट है या मैं कंटेस्टेंट हूँ ये बताइयो पहले। साले मेरी ओर कर रहा है, साले मुझसे मत उलझियो ना, मजाक करियो, अच्छे अच्छो का करियर खराब करा है मैंने, करियर खा जाऊंगा तेरा बिस्कुट के तना। नहीं भाई सॉरी भाई, सॉरी। जीतना है नहीं जीतना तुम दोनों को? जीतना है, जीतना है, भाई जीतना है। सुनो तो फिर ध्यान से, अब वोटिंग लाइन बंद हो चुकी है, जिसको पब्लिक ने ज्यादा वोट दिए होंगे वो होगा इस सीजन का विनर। चलो भाई चलो, जिसको पब्लिक ने ज्यादा वोट दिए होंगे वही विनर होगा इस सीजन 17 का, और जीतने वाले को मिलेगी टोपी। भाई यार वो टोपी नहीं है, ट्रॉफी होगी, टोपी तो हमने पहले से पहन रखी है। अरे तो मुनावर क्यों टेंशन ले रहा है, क्यों अभी से टेंशन ले रहा है, ट्रॉफी दे देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। चलो हटो, आ जाओ जल्दी से, एक एक हाथ पे मेरे। अबे बहन के बड़े, क्या सरेंडर हो रहे हैं आए क्या, इधर आके खड़ा हो। बिग बॉस सीजन 17 के दो फिनाले में पहुंचे हुए चीता, इन दोनों की जोड़ी बहुत ही खतरनाक रही है बिग बॉस के इतिहास के अंदर। पहली बार इन दोनों ने जो लड़ाई करी है, ऐसा लगता है जैसे कि मियां बीवी लड़ रहे हैं घर के अंदर। तो कर रही है धक धक यार भाईजान। तो जिसको पब्लिक ने ज्यादा वोट दिए होंगे वही विनर होगा, तो विनर इज इधर आ गया साले, विनर इज साले, कुछ नहीं हुआ अभी, बड़ी जल्दी हो रही है मुन्ना तुझे भी, तो विनर इज अबे अबे मेरा ब्रेसलेट तोड़ दिया। अबे साले अगर तू जीत भी गया तेरे 25 लाख पूरा रख लूंगा, साले हीरे की परत है इसके अंदर, हीरे का ये चैन है तेरी माता की। साले मेरा पूरा ब्रेसलेट तोड़ दिया, आयान का ब्रेसलेट तोड़ दिया भाई, मुझे जिता देना ठीक है, इससे साले ब्रेसलेट तोड़ दिया, मुझे जिता देना। चल आसान कर दिया अभिषेक, तूने बहुत बड़ा वाला मेरा, तेरे पैसे तो रखूंगा साले भारी नुकसान के बाद। तो चलते हैं रेस। अबे 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 तेरी पागल है, कौन है तू, जबरदस्ती हाथ उठाए जा रहा है, जबरदस्ती हाथ क्यों उठा रहा है बे, बड़ा हरामी है तो। चलो तबेना रेस, तो सलमान भाई दिल से सॉरी, ये सिर्फ कॉमेडी वीडियो थी, ये सिर्फ एक्टिंग थी, इसमें कोई वो नहीं है, अगर बुरा लगा हो तो सॉरी उसके लिए। अभिषेक भाई सॉरी, ये तो सिर्फ नकली अभिषेक है, उसके लिए हमने वीडियो बनाने के लिए सिर्फ बनाया था, ऐसा कुछ नहीं है, बुरा ऐसा कुछ नहीं, पर वीडियो अच्छी लगे तो बताना हमें, कमेंट करना, एंटरटेनमेंट पर्पस बताओ जरा। तो लव यू मुनव्वर भाई, वी रियली लव यू, और माफी चाहेंगे, हमने आपकी थोड़ी सी मिमिक्री करी है और इस वीडियो को बनाया है, ये खाली एंटरटेनमेंट पर्पस है, तो इसको कोई भी दिल पे ना ले, और सभी जनता से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को किसी भी प्रकार से गलत वे में ना ले, ये बस एंटरटेनमेंट पर्पस है, प्यार देना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें और कमेंट सेक्शन भर दें, फाड़ दो फाड़ दो।